व फॉर अंतिम रिव्यू आई हैव सीन द ट्रेलर टू टाइम्स बट आई वॉज मैं बस आयुष शर्मा के एक्सप्रेशंस पे टिकी थी आयुष शर्मा नो हाउस टू गिव एक्सप्रेशन विद एक्टिंग विद रेज एंड विद मस्कुलर पावर ही जस्ट बीट द एनिमी हार्डली बट सलमान खान का फेस प्लेन रहता है वो बस आंखों से ही एक्टिंग कर देता है नेचुरल एक्टिंग करता है तो वो थोड़ा सा ढीला सा लगता है अगर उसे शेर की तरह दहाड़ना है बॉक्स ऑफिस पे तो उसे एक्सप्रेशंस भी देने चाहिए हाँ वो कॉफी पी के थोड़ा सट से गए हैं ज्यादा कॉफी पीते हैं और मेरे को लगता है आयुष शर्मा कॉफी नहीं पीते हैं तो आयुष शर्मा सलमान खान पे ऊपर भारी पड़ रहे हैं इसमें किसने कहा था कि लव यात्री में आयुष को एक्टिंग नहीं आती उस वक्त भी एक्टिंग अच्छी थी और अब तो और ज्यादा अच्छी हो गई है सलमान खान की बॉडी बड़ी भारी भरकम बनी है वो बड़ी सॉलिड बनी है सलमान खान अगर ऐसी बॉडी रखें तो फिल्म में आगे फिल्म में बहुत चल सकती हैं ये कम से कम बीफ अप सेवेंटी एटी के का है कम से कम नाइन्टी केजीज का बीफ अप कर लेना सुल्तान की तरह तो मतलब लड़कियों की या लड़कों की और और बॉडी बिल्डर्स की साहिल खान जैसे बॉडी बिल्डर्स की पेंट में शू शू करा सकते हैं बॉडी बड़ी धांसू बनी है दोनों की और ये फिल्म बहुत चलने वाली है ब्लॉकबस्टर होगी और मैं इसको देखने जरूर जाऊंगी मैं इसको दो तीन बार देखने वाली हूँ और आप भी इसको मिस मत कीजिए बाय और मूवी बड़ी अच्छी है आयुष ने विलन बनके भी दिखा दिया है कि उसकी एक्टिंग सबसे सॉलिड है मतलब आमिर खान लेवल की है यू नो शाहरुख खान लेवल की है सलमान खान को भी उतनी मेहनत करनी चाहिए सीन ओके जल्दी नहीं करना चाहिए थोड़ा एक्सप्रेशन देकर, और डायलॉग दे और बिना नशा किए बिना ड्रग्स लिए बिना शराब के नशे के बॉडी बनानी चाहिए और ऐसी बॉडी बनानी चाहिए कि मतलब लोगों की पेंट में पिशाब कराते बाय